आई या रेफरेंसेस या जो भी इंक्वायरी होगी वो इस्लामाबाद और पी में होगी और ये प्रेयर भी नहीं है वो जो होता है ना कभी डिस्कशन के अंदर आई हो बात कि उन्होंने ये मांगा हो कि जी हमें ये वहाँ पे शिफ्ट किया जाए वो भी नहीं है उसके बावजूद ये कर दिया गया आज हमारे आने का मकसद तो ये भी है कि उनकी सेहत जो है उसके बारे में उनसे मुलाकात करके मालूम किया जाए नवाज शरीफ साहब की सेहत के बारे में जो इतलात सरकारी ज़राए से आ रही हैं, उसने पाकिस्तान के आवाम को तशवीश में मुबला किया है वेलकम नाजरीन प्रोग्राम डी एन ए के साथ हाजिर हैं मैं हूं अंजुम रशीद और मेरे साथ हैं खुशरूद अली खान नाजीन आज सानिहा साहिवाल के ऊपर वजीर अज़म ने कहा है कि वो आ, करार वाकई सजा देंगे और इसमें किसी को माफ़ नहीं करेंगे और इसके अलावा हमज़ा शरीफ भी बोले हैं और दूसरी बातें भी हैं इसके अलावा आज मियाँ नवाज शरीफ की जो सेहत है उसके बारे में पूरे मुल्क में जो है आ, जो इनकी क़्यादत है वो तशवीश का इजहार कर रही है और वाकई इनकी हालत तशवीशनाक नज़र आ रही है इसके अलावा सिंध ने बड़ा शानदार कानून पास किया है कि अगर कोई ज़ख़मी जाएगा तो उसका इलाज निजी अस्पताल में लाजमी होगा ये नहीं होगा कि पैसे नहीं हैं तो इसका इलाज नहीं होगा इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो एक बार फिर कहा है कि कराची को जो है वो साफ किया जाए और उन्नीस चालीस साल पचास साल पहले वाला कराची बहाल किया जाए क्या कि यह हो सकता है अच्छा खुशी खान सबसे पहले हम बात करते हैं सान्या साहिवाल के बारे में एक तरफ ये बात कर रहे हैं कि करार बाकी सजा देंगे लेकिन दूसरी तरफ बा... राजा बशारत अपनी जगह पे अड़े हुए हैं कि उनमें से एक जो था ज़ीशान वो टेरिस्ट था और टेरिस्टों के साथ मिला हुआ था और ऑपरेशन जो था वो बिल्कुल दुरुस्त था ये बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अनगिनत दुरूद व सलाम जनाब हम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर उनकी आल पर और उनकी औलाद अंजम रशीद साहब ये जो शाही वाल वा, वाला वाक है इसके कई जहते हैं और कई साइडें हैं मसलन एक ये है कि आज जनाब उस्मान बुजदार को वजीर आज़म ने इस्लामाबाद तलब किया और साहिवाल वाक्य पर फोकल पर्सन मुकर्र करने के लिए कहा मेरा सवाल यह है इनके पास मीडिया में वो एक साहब हैं जो अपने आप को तर्जुमान कहते हैं जो अमेरिका से आए हैं और वजीर इतलात हैं पंजाब के सवाल यह है कि पंजाब का डी जी पी आर कहाँ है इनके इंफॉर्मेशन अफसर कहाँ हैं इनके मुख्तलिफ महकमों के तर्जुमान कहाँ हैं विफाकी हकूमत को पंजाब के बारे में क्यों सोचना पड़ रहा है इनका डी जी पी आर वही है जो नजम सेठी के साथ चला गया था वो इनके साथ का वफादार तो नहीं हो सकता फिर वजीर आजम बहुत नाराज हैं इस बात पर कि पंजाब के, के वजरा ने मुतजाद बयान क्यों दिए देखिए हर एक की अपनी बात थी अभी भी आप राजा बिशारत की बात कर रहे हैं कि वो अड़े हुए हैं हाँ फिर जीआईटी रिपोर्ट जो है उस पर वजीर आजम ने बात की और फिर पुलिस पे पंजाब में पुलिस असलाहत पे बात हुई मेरा सिर्फ इतना सवाल है कि आपने इनकी तनख्वाहें दुगनी कर दी आज भी ये मुंह सूंघते हैं और पैसे लेते हैं आज भी ये मर्द और औरत इकट्ठे जा रहे हो तो ये निकाहनामा मांगते हैं और अलग अलग ले जाके उनसे बातें पूछते हैं पकड़ते हैं और पैसे लेते हैं मैं सिर्फ अब मतलब ये सिर्फ पंजाब में नहीं है हाँ, अच्छा इस्लामाबाद इस में भी सब जगह है फैजाबाद जो जो फैजाबाद पे इन्होंने रुकावट लगाई हुई है वहां भी पुलिस इसी तरह से पैसे लेती है सवाल यह है तब्दीली क्या आई है अच्छा प्राइम मिनिस्टर यकीन इस पे कलप रहे हैं, इस पे यकीन कुछ कह रहे हैं अच्छा, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है मैं जाते जाते आपका कमेंट जरूर आना चाहिए इस पे लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैं जो बात कहता हूं कि इस मुल्क का हल जो है वो पार्लियामानी सिस्टम नहीं है यहां सदारती निजाम आएगा और ये सारे वाकयात आज कल परसों पर ले दिन जो भी हुआ है अच्छा खुशु आप खुछुणी उन सब को इकट्ठा कर लो खुशी खान जो पहले दिन आपको से... नजर आता है ये जमुईत चलेगी या जो... ये निजाम चलेगा अच्छा, खुशी खान मुझे तो लगता है कि सदारती निजाम दस्तक दे रहा है अच्छा खुशी खान दरवाजे पे खुशी खान जो आज आ, प, आ, हम पहले दिन से बात कर रहे हैं कि पुलिस ही जब पुलिस के खिलाफ तफ्तीश करेगी तो आज तक किसी पुलिस वाले को है वो पुलिस मुकाबले में एक आम आदमी को कत्ल करने की सजा नहीं मिली है ना ही कोई मुकदमा आगे चला है और इस पर जो आ, आ, कमेंट है वो पहले हमजा की हम बात सुन लें फिर उस पर उस, उसके ऊपर मैं बात करूंगा फिर आप भी बात कीजिएगा मेरा ख़्याल अगर हमज़ा की जो बात है वो सुनाई जाए आज ज़्यादा ज़रूरत महसूस की है मैंने कि जुडिशल कमीशन बनना चाहिए ज़िम्मेदारी का तयन होना चाहिए और जब अपना जो है ना वो पुलिस वाले जो हैं और जो बाकी इदारे हैं वही जे आई टी बनेंगे तो फिर हक सच कहाँ से आएगा सामने चुनी खान ये मुकदमा ये मुकदमा जो है वो हाई कोर्ट में भी दायर हुआ है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए क्योंकि पुलिस से इंसाफ इन, इंसाफ की तो नहीं है कि पुलिस पुलिस वालों के खिलाफ इंसाफ करेगी चार बेगुनाह मार दिए और पुलिस पुलिस आज वकुआ पे गई है जुडिशल कमीशन बनाए आज जो है वो जाए वकुआ का मुआयना कर रहे हैं क्या मिलेगा क्या कह रहे हैं बोलो जरा जी

कभी काम नहीं चला सकते पे लाएं जिसको लाना है अच्छा, और कोई डॉक्टर जैसा ढूंढे जो वहां जाए और वहां चलाए और शहबाज शरीफ साहब ने एक फोर्स काम की थी वो मोटरसाइकिलों पर पतली उन्हें क्या कहते हैं अच्छा उन्होंने जितने इलाके के कोठी खाने हैं जितने शराब खाने हैं उन्हें पता लग गया कुछ अरसे में कहा क्या है वहां से वो पैसे ले रहे हैं जो मुस्लिम लीग तो सवाल एक मुस्लिम लीग नून इसमें मुतालबा कर रही है कि वजीर आला इस्तीफा दें शहबाज शरीफ ने तो मुतालबा किया था वजी आजम भी इस्तीफा दें अच्छा जो आज हमजान ने जी शहबाज शरीफ ने इस्तीफा दिया था बात बात सुन सुन लो लो जरा लो, वो, शेवार ये, शेवार शेवार वो ये कह रहे हैं कह रहे है कि मॉडल टाउन पर राना सनाउल्ला ने फौरन इस्तीफा दे दिया था अच्छा ये मॉडल टाउन वाला केस है नहीं मॉडल टाउन पे तो इल्जाम ये था कि एक पॉलिटिकल दुश्मनी की बुनियाद पर पॉलिटिकल डिजाइन हासिल करने के लिए मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ ने ऑपरेशन किया यहाँ पर जो है डिजाइन का कोई इल्जाम नहीं है एक बात मुश्तर वो है पुलिस का जालमाना रवैया इंसानों के साथ जो सलूक नहीं होता हाँ जो हैवानों के साथ होता हैों के साथ भी नहीं होता उन्हें खड़ा करके गोली मार दो इन्होंने वो रवैया अख्तियार किया पुलिस का रवैया एक जैसा है बाकी वो अलग किस्सा है या अलग किस्सा हाँ, है दोनों को ये तो है, तो नहीं नहीं जा सकता। जो पॉइंट स्कोरिंग है है वो हो रही अंजुम रशीद साहब लेकिन इसमें बुजार की या इमरान खान की इन्वॉल्वमेंट नहीं है कि इमरान खान ने नहीं कहा था कि ये जो है यहाँ पर ऑपरेशन किया जाए गलत या दुरुस्त तो बड़ी दूसरी बात है लेकिन ये पुलिस की ज्यादा है कि यहाँ सवाल एक बहुत छोटा सा है कि क्या जो भाई पर... पुलिस के आईजी को क्यों रखा हुआ है ये है इमरान खान की गलती इमरान खान ने ना हुक्म दिया ना उस्मान गुजदार ने दिया ये जो गंद गोला है पुलिस ने गोला है पर उसके आईजी को तो रखा हुआ है ये वो तो रोज अकड़ के बैठा होता उसको सस्पेंड होना चाहिए है। है। उसको हटाए और सस... वो आगे से बकायदा वजाहत करें कि पंजाब के जो है आईजी उसको नहीं हटाया जा सकता क्यों ये शायद है बात यह है कि उसकी सबॉर्डिनेट फोर्स ने और अफसरों ने यह सारा कुछ किया है अभी तक... तर... आपने एडिशनल आईजी हटा दिए और आईजी को वहीं रखा है नहीं है वो भी उनको ट्रांसफर है, है मेरे एक और सवाल है हाँ सवाल कर ले फिर मैं बात करते बोले नहीं बोल... आप बात कर ले सीधा सा एक ही सिंगल सवाल है सवाल यह है कि वो जो चार अफराध थे जिनको इन्होंने गोलियां मारी वो गोलियां मारने का इनके पास क्या जवाब था क्या उन्होंने इन पर फायरिंग की थी क्या इनकी फायरिंग के बाद उन्होंने जवाबी फायरिंग की थी क्या इनके रोकने पर वो रुके नहीं थे जब वो रुक गए थे तो क्या इन्होंने लाउड स्पीकर पर उनसे कहा था कि बाहर आ जाओ और वो बाहर नहीं आए उनको उन पर बरह रास्त फायर फायरिंग करने का कोई जवाब नहीं था और यही बात आज लाहौर हाईकोर्ट में भी उठाई गई है और लाहौर हाईकोर्ट में भी ये मुकदमा गया है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए लेकिन जुडिशल कमीशन जो है ये विफाक ने बनाना है सूबे ने नहीं बनाना बस आपकी बात पूरी हो गई आप बोलो आप बोल सकता हूँ बात है मुझे बात पूरी करने देंगे आप कर, आप। एक, एक मैंने कर लिया इसलिए तो नहीं है मेहरबानी होगी आपकी पहली बात तो यह है कि ये जो जीशान है ये जो रिपोर्ट बनाए बैठे हैं और दिखा रहे हैं और मीडिया में फैला रहे हैं देखिए अगर इन्होंने जीशान की गाड़ी स्पार्ट कर ली थी लाहौर में हाँ और चुंगी अमर सदू में और उस गली में तो मेरा सवाल यह है कि आपको किसने रोका था कि आप कार्रवाई ना करें या आप उसको ना रोके या आप उसका फोन ना लें किसने रोका वो कौन सी कुवत थी और अगर वो कुवत नहीं थी आप थे मैं इसलिए कहता हूं कि जी को जाना चाहिए आप सारी गलतियां आपकी और भुगत रहा है इमरान खान भुगत रहा है 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 और वो है है वो आदमी खुश जिसका सवार जी ना पंजाब में बड़ा है है और वो खुश है कि मैं अपनी सियासत कर रहा हूं मेरा आई जी अभी बैठा है देखे मेरा एक और सवाल है भाई लाहौर से साईवाल तक तीन चार जिले आते थे आपकी पुलिस इस एल नहीं थी किसी एक जिले में उस गाड़ी को आराम से रोक लेती और जीशान को गिरफ्तार कर लेती अब मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है बहुत बड़ा आज वजारते खारजा के तर्जुमान ने डॉक्टर फैसल ने कहा है कि हमारे मुल्क में दाइश नहीं है क्या कहा है नहीं हमारे मुल्क में दाइश नहीं है मेरा सवाल है आई जी पंजाब से के आप लोगों ने रिपोर्ट बना के जीशान को दाइश का एजेंट करार दिया इसका मतलब यह है कि पंजाब में दाइश है तो डॉक्टर फैसल या तो सच नहीं कह रहे या आप झूठ बोल रहे हैं फिर आप क्यों नहीं खुद अपने आप को स्टेप डाउन कर लेते आप उस्मान बुजदार के लिए क्यों मसला बने हुए हैं आप इमरान खान के लिए क्यों मसला बने हुए हैं आप फेडरल और पंजाब की हुकूमत के लिए क्यों मसला बने हुए हैं आपसे हाईकोर्ट जो है हाईकोर्ट आज उन्होंने दो रकनी बेंच तश्कील दे दिया है लेकिन पूछा है कि आईजी साहब आप ये बताएं आपको गोलियां चलाने का बरारास्त सीधी सीधी गोलियां चलाने का इख्तियार किसने दिया था और आप आगे से वही कहानी सुना दे सीटीडी टी हो गई अब बंदे गिरफ्तार हो गए फला हो गया देखिए अगर विफाक हुमत इस पर बना दे कमीशन मैं भी कहता हूं बना दे लेकिन सवाल यह है कि जब आईजी अपनी जगह पे कायम है जब उन सब का जो हाकिम आला है सरबरा है वो मौजूद है तो क्या होगा कौन सा कमीशन जिसने वर्दी पहनी होती है वही ताकत वाला होता है पहले इसकी वर्दी जो है मअतल करो वर्दी से फारिग करो बिठाओ पूछो और ये भी देखो अंजुम रशीद ये मेरी बात जो है इसे याद रखना ये पंजाब की पंजाब का आईजी और पंजाब की पुलिस किसी और की सहूलत कार तो नहीं है क्योंकि इन्होंने अगर इमरान खान खिलाड़ी ना होता और इमरान खान प्रेशर बर्दाश्त ना करता तो हुकूमत तो चली गई थी और इस नुक्ते पर चली गई थी सवाल यह है जो आप कह रहे हैं कि इमरान नहीं है जिम्मेदार उस्मान बुजदार नहीं है देखिए ऐसे नहीं है माजी के कुछ वाकत में बयान रिकॉर्ड पर है मैं भी कहता हूं कि यही सूरत है लेकिन आप अजीब है आपने एक हाउस की सफारश पर आई जी भी रखा हुआ है, है? सबको सहक कर दिया राय तहिर जो है राय रायताहिर बड़ा शान पुलिस अफसर है अच्छा वो सीटीडी टी डी का सरबरा था उसको सैक कर दिया आपने एडिशनल आई जी से हटा दिया तो आपने दूसरे को ठीक जो थोड़ी देर बाद चेक करता है मेरे कांधे पे पिप्स हैं मेरे कांधे पे पिप्स हैं सवाल यह है क्यों करें ऐसा अपनी को क्यों खराब कर रहे हैं और मैंने आपको कहा इसी हिस्से में कि सदारती निजाम दस्तक दे रहा है मुझसे सब लोग पूछते हैं सदारती निजाम कैसे आएगा मैंने कहा ऐसे ही आया जैसे आया करता है खुशद्ली खान जहां पर हम हमें ब्रेक लेनी है और और सदारती निजाम की तरफ जाना जो है वो के लिए खतरनाक होगा खुशद अली खान जमुरियत को खत्म करना पार्लिमानी निजाम को खत्म करना ये पाकिस्तान दोस्ती नहीं होगी बस ना... मैंने आपको जो कहा मैं अपने मौका पे कायम ठीक है छोटी सी ब्रेक लेने दो ब्रेक के बाद हाजिर होंगे नाजीन हमारे साथ रहेगा

याद रखें कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब को अल्लाह ताला उनको सेहत और ज़िंदगी दे लेकिन अगर खुदा न खास्ता खुदा न खास्ता इन हालात में उनकी सेहत को कुछ होता है तो आपका क्या ख्याल है ये मौजूदा हुक्मरान बर्दाश्त कर पाएंगे अच्छा खुशी खान ये तो जो बात सामने आ रही है कि इस हकूमत का और इस मुल्क का फायदा इसमें है कि मियाँ नवाज शरीफ की हालत इतनी इस काबिल है कि मियाँ नवाज शरीफ को हॉस्ट हॉस्पिटल भेज दिया जाए या जेल से निकाल दिया जाए इसी में पाकिस्तान का फ़ायदा है वरना पाकिस्तान वरना इस हुकूमत को नुकसान हो जाएगा देखिए आप खुद ही सवाल कर रहे हैं और ख़ुद ही अपनी मर्जी का जवाब तलाश कर रहे हैं क्या इनके ख्याल में ये जो कहा जा रहा है कि फिर जमहूर रुष्क पड़ेगा मेरा एक सवाल है ये जमहूर वाले जो हैं इनसे के रोजाना जब आप मुलाकात के लिए वहां जाते हैं तो जो जमहूर वाले होते हैं ना जो पैदल वैगनों पे चढ़ के आते हैं वहाँ जेल के बाहर उनकी तादादन तीन दर्जन दर्जन होती है और आप जो होते हैं गाड़ियों पे आते हैं और चले जाते हैं जब मुझे कोई शक नहीं है नवाज शरीफ ने बड़े वोट हासिल किए हैं लीग ने बहुत वोट लिए हैं लेकिन ये जो कह रहे हैं कि जमहूर उठ खड़े होंगे अगर इन बड़ी गाड़ियों वालों ने उठाना है जमहूर को ये वही है ना जो कहते थे कि हर रास्ता जाएगा एयरपोर्ट की तरफ और फिर भाई साहब भी रास्ता भूल गए और साद रफीक भी भूल गए और खुरम दस्गीर भी भूल गए और राना अफसर भी भूल गए और राना तनवीर भी भूल गए मैं नाम गिनता रहूंगा तो मैं नाम गिनता ही चला जाऊंगा देखें हुकूमत को यह मालूम है कि जेल में है हमारी कस्टडी में है अगर इन्हें कोई नुकसान हो गया तो हमारे खिलाफ बात होगी और कोई लीडर किसी की जान का जो मामला है वो अपने सर नहीं लेता मैं समझता हूँ शायद हुत को ये मालूम है कि क्या करना है और वो उसके मुताबिक कर देंगे हम जरा मीडिया वाले जो हैं हमें बहुत जल्दी है मियां नवाज शरीफ तो आप कहता है कि मेरी सेहत भी ठीक है और तबीयत भी ठीक है मियां नवाज शरीफ और शेर पढ़ते हैं कि उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पर रौनक वो समझते है की सवाल यह है कि हम ज्यादा फिक्र मत ज्यादा सुन लेना हाँ। अब सुन लो आप भी सुन ले बात आ... कर ले फिर मैं हाँ, कर लेता। मैं ये कह रहा हूं कि ये हकीकत है कि मियाँ नवाज़ शरीफ जब से जेल में आए हैं उनकी तबीयत जेल की वजह से इन हालात की वजह से जो है वो बिगड़ी है उनकी दिल की एक नाली पहले तंग नहीं थी इस पर जो है वो इंग्लैंड के डॉक्टरों के सर्टिफिकेट मौजूद है उन्होंने देखा हुआ है उनकी दिल की नाली तंग नहीं थी अब दिल की नाली भी तंग है और ब्लड प्रेशर का भी इजाफा है गुर्दे भी मुतासर हुए हैं तो जेल में मुतासर हुए हैं ना तो अब उनको इस तरह से फैसिलिटेट करना चाहिए

जब ये वो हो ही नहीं सकता जब ये और अगर एक सर्जन को कुछ हो गया है तो उसमें स्ट्रेन्थ पड़ जाएगा वो तो अब अच्छे खासे जो आपको चलते फिरते नजर आते हैं उनको भी तीन-तीन चार-चार स्ट्रेन्थ पड़ने वाले हैं आप حکومت तो, को डरा रहे हैं कि नवाज शरीफ जेल में नवाज शरीफ को कुछ हा, हा, ये कुछ हो, नहीं होगा ये ये नवाज शरीफ जो है वो हो के गए हैं वो सारे उनके मुकरर किए हुए डॉक्टर हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है वो कहते हैं मेरे हौसले है। तो है। बुलंद है।, है जो नवाज वो जब, जब जरूरत तो होगी उन्हें उन्हें भेजने की जो मेडिकल में जो मेडिकल मैं रिक... कोई उनका मुखालिफ नहीं हो मैं रोजाना उनके लिए गला फाड़ता हूँ लेकिन आप कुछ चीजें खिलाफ वाक्य कर रहे हैं भाई साहब अगर वो बीमार हुए हैं आपने कहा के सुन लेना आप सुन लें तो आप हर बात में बोलते यार मुझे बोल बोले जा रहे हो मैं क्यों इसका मतलब ये नहीं है कि आप आप ही बोलते जाए मुझे बात करने दे मैं दलील से बात कर रहा हूं उन्होंने कहा था लंदन से जब आए थे कि मैंने दिल का सारा कुछ करा लिया है अब ये शरियान किधर से बंद हो गई हाँ अब आप ये आप बताओ आपके खिलाफे वाक्य बात कर जेल रहे हैं मैं तो इसलिए नहीं कहता कि कुछ चीजें मेरे जिम्मे लग जाए कि मैंने क्या कहा था खान, उनकी ये तो पता नहीं है कौन सी चीज को कहा लेना है उनकी जेल में आने है? से खराब हुई है उनकी तबीयत जेल में आने जेल से में मुझे खराब ले जाओ मेरी भी खराब हो जाएगी है हाँ ठीक है हालांकि मुझे तो पहले पड़े हुए तो ले, लेकिन लेकिन मेरी तबीयत में खर... जेल में जाने वाले की कभी तबीयत ठीक हुई है हाँ तो ये भुट्टा है ये की जिम्मेदारी है कि वो ऐसा इकदाम ना करे जिससे ये तासर जाए कि मियां नवाज शरीफ की जान जानती है, जा इनकी गलती की जा रही है। वो तो और, रही और, दे और, दे आप हैं। आप जो तो आज कह रहे हैं कि मुलाकातियों की फहरिश जो है वो भी मुझसे मंजूर नहीं कराई जाती और मुझे दिखाई नहीं जाती और ये जो मिया साहब आपका घर कंट्रोल कर रहा ना आपकी फैमिली कंट्रोल कर रही है जेल सुपरिटेंडेंट कौन होता है कि आप जिससे मिलना चाहें उससे वो आपको ना मिलवाएं अगर आपकी मुलाक वो तो कहते हैं कि आप जब मिलना चाहें आपके लिए खुले रस्ते आप कहते हैं नहीं नहीं मुलाक भाई ये कारकुनों के लिए है लेकिन उन कारकुनों के लिए है जिनको ये कहते हैं हाँ। हमारी जान है लेकिन अगर महकमा जेलखाना जात अगर महकमा जेलखाना जात पंजाब ये कर रहा है तो ये बहुत बड़ा जुल्म है खुशूद खान जो आप ये कह रहे हैं ना कि लोग नहीं आएंगे ये मत कहें लोग वो अवाम के वो के मकबूल लीडर हैं अगर उनकी उनको अगर ये पता चला कि उन, उनको हलाक किया गया उनको मारा गया मारा तो यार लोग एक पे बात आ सकते मैं पूछ रहा हूं आपसे आप मुझे बताएं एयरपोर्ट पे यही नवाज शरीफ आए अपनी बेटी के साथ आए वहां से जेल आ गए लोग तो नहीं आए इनके पार्टी के लोग फिर नहीं जाते क्या बात कर रहे हैं खुशीदली खान अगर उनकी जान चले गई तो बात दूसरी हो गई अच्छा आप एक छोटी सी छोटी सी ब्रेक लेनी आती है और भाई तुम फिर जान के पीछे आप असल में नंबर बनाने वाली बात कर रहे हो नंबर क्या आपको वो कहें कि आप बहुत देखिए मैंने पूछा है कि लाहौर एयरपोर्ट पे जब नवाज शरीफ ने लैंड किया था तो लोग क्यों नहीं आए थे और निकाल के और तरफ क्यों फिरते रहे नहीं पहुंचे ज़रूरी है। था? आप, आप हो हो गया था। अब सुन लो सुन लो आज सौदा हो गया था अब सुन लो मुझे ब्रेक लेनी है ये आज तक सौदा हो गया था वो सुन तो लो भाई भाई बात ये है कि ये जरूरी नहीं है उस वक्त उसके मरने पे भी नहीं आएंगे आप ना करें कि वो आप जिनका गम खा रहे हैं उनका वोटर है मैं आपका बताऊं वोटर निकलेगा वो अगर 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 वो चा... अच्छा ना जी छोटी सी ब्रेक है और ब्रेक के बाद हम हाजिर हो रहे हैं हमारे साथ रहिएगा और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 40 साल पुराना कराची बहाल किया जाए मिलिट्री ने लैंड पे जो कमर्शियल है वो भी साफ करें वो मुकम्मल तौर पर वो जो चाह रहे हैं और इस पर सिंध हुकूमत की तरफ से कोई मौकाफ नहीं आ रहा कि इस शहर की अगर बिजनेस दुकानों को बर्बाद किया गया बिल्डिंगों को बर्बाद किया गया तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा चालीस साल वाला बहाल करना जो है वो पॉसिबल नहीं है प्लानर लाए कोई स्कीम लाए ये बात क्या कर रहे हैं वो बात यह कर रहे हैं कि कराची जो है अपनी असल हालत में बहाल करो वो कहते हैं कि मलीर नदी के किनारे जितनी बिल्डिंगें हैं सब गिराओ वो ये कह रहे हैं कि कम से कम 500 सौ बिल्डिंगें आपको गिराना पड़ेंगी वो ये कह रहे हैं कि ये शहर की तबाही में आप सब मिले हुए थे और आप सब ने मिल के तबाही की है आज तो इस हद हाँ तक जो है सुप्रीम कोर्ट गर्म थी कि उन्होंने कहा एडवोकेट जनरल को कि आप लोग कठपुतलियां नहीं है। हमें लो हैं हमें लोरियां जो है वो ना सुनाएं आप किसके हाथों में खेल रहे हैं उनका ख़्याल है कि इंग्लैंड से वो इसलिए कि पाकिस्तानी मेयर भी है वहाँ वहाँ से टाउन प्लानर मंगवाएं और वो टाउन प्लानर जो है आपको बताएं कि शहर कैसे बनते हैं और फिर उन्होंने मिलिट्री लैंड पर हर तरह की कमर्शियल जो इमारतें हैं उनको ख़त्म करने के लिए कहा है अच्छा मैं आपको बताऊं सुप्रीम कोर्ट ने तो जो कहना था कह दिया अब उस पर तो हम तबसरा कर सकते हैं मेरा तबसरा इतना सा है जो आप कहते हो ये नहीं हो सकता वो तो सुप्रीम कोर्ट जब कह दे तो करना पड़ता है लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये नाकबिल अमल है और उसके नतीजे में कराची में एक और तूफान उठेगा और बड़ा खौफनाक तूफान उठेगा सिंध हकूमत की रिपोर्ट मुस्तरद कर दिया सुप्रीम कोर्ट में और कोई हालात और ही हो गए हैं जो रशीद साहब मुझे तो समझ नहीं आती कि मैं इसके हक में बात करूं या इसकी मुखालफत में बात करूं लेकिन ये बात तो ठीक है कराची का चेहरा बिगाड़ दिया गया है

दुकानें भी होती हैं छोटे कारोबार भी होते हैं उनको उनको ख़त्म नहीं किया जा सकता लेकिन मैं तो आपकी इस बात से एग्री करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के सामने इनको चाहिए कि इंटरनेशनल टाउन प्लानर पेश करें ताकि सुप्रीम कोर्ट को पता चले कि कराची को सर्वाइव करना कैसे पॉसिबल है कराची को गिराना दुरुस्त नहीं है अच्छा खान आप आप नजीबिला नकीब मसूद पर बात करना चाह रहे थे कि राव अनवार पे आप बहुत वाजे रिपोर्ट आ गई है कि उसने जानबूझकर कत्ल किया है देखिए जो कमेटी थी ना उसकी रिपोर्ट आ गई है और उसने करार दे दिया है कि नकीबुल्लाह और उसके तीन साथियों का कत्ल कत्ल इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब उस कमेटी ने कह दिया है कि यह मावराय अदालत और मावराय कानून ये वाला कत्ल था वो ये कहते हैं कि नकीबुल्ला साबिर नजरजान और इसाक इनको को दहशत गर्द करार दे के कमरे में कत्ल कर दिया गया था और फिर पुलिस मुकाबला दिखा दिया गया बाहर वो ये कहते हैं कि ये खुद साख्ता था ना ही वहाँ दस्ती बम फटे हैं जो जगह दिखाई गई है ना ही वहाँ गोलियों के निशान थे बल्कि कोई निशान ही नहीं थे जिनसे पता लगे कि यहाँ पुलिस मुकाबला हुआ था अब अंजुम रशीद मैंने एक और जाविये से इस पर बात करनी है जैसे साहिवाल वाला वाक्य है लेकिन आप के बहुत जल्दी में होते हैं इसलिए आप पहले बात कर लें मैं फिर आराम से उस पर बात नहीं नहीं, नहीं, नहीं। नहीं, मैं आप ही बात करें मैं एग्री कर रहा हूं कि ये पुलिस का जो रवैया है जो साहिवाल में नजर आया है और जो कराची में नजर आया है ये मुमासिल है और पुलिस को रोकना पड़ेगा और रोकने का तरीका एक तो यह है कि पुलिस की ट्रेनिंग बेहतर की जाए इलाहत की जाए और दूसरा यह कि इनको सजाएं दी जाए आप बात करें देखिए मुझे कोई ये बता सकता है कि नकीबुल्ला साबिर नजर जान और इसहाक में से जिस जिस के बच्चे थे वो किस साल में वो कौन से स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनकी परवरिश कौन कर रहा है उनके पैसे कौन दे रहा है स्कूलों के उनके अखराजात कौन बर्दाश्त कर रहा है क्या रियासत कर रही है रियासत ने ज़िम्मेदारी ले ली है साहिवाल वाले वाक़ ने बहुत सारे सवालात खड़े कर दिए हैं उनमें एक सवाल तो यह है कि जीशान को आपने मार दिया है लेकिन जीशान की एक मासूम बच्ची है और वो मासूम बच्ची रियासत की जिम्मेदारी होनी चाहिए इन्होंने गलत किया है या सही किया उसे तो नहीं पता था कि उसका बाप दहशतगर्द है इसी तरह खलील के वो बच्चे जिनके सामने आपने कत्ल किया है उसके माँ बाप और बहन को उनका नफसियाती इलाज उनका बड़े स्कूलों कॉलेजों में पढ़ना और उनको बड़ा बनाना रियासत की जिम्मेदारी है मैं मेरी इस आवाज को ही आवाम की आवाज समझ लिया जाए और ये बताया जाए कि नकीबुल्ला के वो जो फूल जैसे बच्चे थे जिनको वो फौज में भेजना चाहता था उन बच्चों का इंतजामों क्या है नानफ के का उनकी तरबियत का उनकी तालीम का उनके रहने सहने का को बेहतर इसलिए रो अनु ये भी तो रो अनवर ही है ना ये जो इधर मारा है ऐसा वाल में ये सारे रोअनवार हैं और ये बंदे मार के मावराय अदालत ये के चलते हैं और इनकी सरपस्ती होती है ये अब इस मुल्क में खत्म हो जाना चाहिए अगर ये इस मुल्क में चलता रहा फिर वाकई वो जो मैं कहता हूं खाना जगी हो जाएगी वो जो मैं कहता हूं बगावत हो जाएगी फिर हालात आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगे नाजिर एक छोटी सी ब्रेक है के बाद हम बात करेंगे कि एक इनकलाबी इकदाम किया है और निजी अस्पतालों के बारे में कानून पास किया है जिससे बहुत से लोग जो हैं वो मौत के मुंह में जाने से, ब, ए, से बच जाएंगे हमारे साथ रहेगा हमने ये बिल किया है कि जी सबसे पहले तो आपने पेशेंट को ट्रीट करना है और इसमें डिफाइन किया है कि अस्पताल प्राइवेट अस्पताल जिसको अस्पताल का स्टेटस दिलाना है अपने आप को उन्होंने वो फैसिलिटीज उधर रखनी है इसमें यह भी कहा गया है कि अगर पेशेंट के वो पैसे नहीं मांगेंगे इसलिए कि हुकूमत का काम है एंड द गवर्नमेंट विल कॉम्पनसेट जो भी इंजर्ड जाता है उसके इलाज के लिए उस और एक और चीज़ भी होती है कि जैसे अस्पताल में जाते हैं तो जो लेके जाता है उसको ही हरास किया जाता है ये भी इसमें पाबंदी लगाई है कि वो हरासमेंट नहीं होगी जो अस्पताल अच्छा खान खुश अली शाह ने बहुत अच्छा कानून पास किया है कि निजी अस्पताल पैसे ना होने की वजह से किसी को फौरी तबी इमदाद नहीं देंगे और अगर कुछ जख्मी को लेके जाएगा उस, उसको हरासन को हरासा नहीं किया जाएगा बहुत से लोग मरने से बच जाएंगे और वो जो निजी अस्पताल बहाना बनाते थे, थे कि मेडिकल लीगो कैसा हम ट्रीट नहीं करेंगे तो ये दूसरे सूबों को भी इसकी नकल करनी चाहिए देखिए दूसरे शूबों को ज़रूर नकल करनी चाहिए बहुत ही अच्छा है मुफ्त इलाज और उससे पैसे ना मांगना हुकूमत इलाज के पैसे ये बात बहुत ही अच्छी है बहुत अच्छी जितनी तारीफ़ की जाए कम है लेकिन इसमें एक दो इस कानून में एक दो लिकूनाज है मसरा दौरान इलाज किसी ज़ख्मी को हरासत में नहीं लिया जाएगा तो ये जो मुलजम मुजरम मुकाबले में ज़ख्मी होते हैं कैसे हरासत में नहीं लेंगे उनको और आ, कैसे उनसे सवाल नहीं पूछेंगे फिर एक और है जख्मी होने वाले से पुलिस और तफ्तीशी इदारे तफ्तीश नहीं कर सकेंगे अब कोई बंदा मर रहा है वो जो नजी बयान देता है वो कैसे उसे नहीं लिया जाएगा लिहाजा मैं कहता हूँ कि ज़रा इसे दोबारा देख लें या जिस वक्त ये असम्बली में आएगा तो इस पर बहस हो जाएगी वैसे ये वेलफेयर स्टेट में होता है मुराद अली शाह साहब जो है वो दरअसल वेलफेयर स्टेट के सरबरा के तौर पर सामने आए हैं लेकिन चले ये सुबह ही सही कोई वेलफेयर तो ही कोई तो अवाम की जो बात है वो ये है और इस पे वो जो बच्ची थी अमल या एमल वो उसके नाम पर ये बिल इन्होंने पास किया है अल्लाह करीम इन्हें इसका अजर दे वो बची तो इस दुनिया से चली गई लेकिन वो लोगों के लिए आसानियां पैदा कर गई और सिंध हुकूमत को ये कानून बनाना पड़ गया अच्छा मैं तो मैं तो करता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो वह अली खान के इन इन जो एतराजा हैं जो सवालत हैं इसको जेरे गौर लाएगी और इस कानून को बेहतर करेगी बहरहाल ये एक, एक अच्छा कदम है अच्छा अली खान आज नैब ने जो है वो अनवर मजीद के खिलाफ इंक्वायरी के लिए चार टीमें बना दी हैं और दूसरी तरफ जो है वो वजी अजम ने कानून पास किया है जिसके तहत जिन्होंने एमनेस्टी स्कीम के तहत फायदा लिया है वो उनसे नहीं पूछा जाएगा कि ये उनके पास पैसे कैसे आए ये अलीमा खान को बचाने के लिए और और अनवर मजीद को फसाने के लिए अगर नैब आलाकार बनेगी तो ये नैब तो मशकूक हो जाएगी देखिए ये कोई छत्तीस लोग हैं चार टीमें हैं हर टीम में नौ नौ बंदे शामिल किए हैं मेरा एक इनसे एक सवाल है मेरा दिल करता है मैं पूरा प्रोग्राम कर दूं इस पे अनवर मजीद वाले पे और मैं उसकी तैयारी कर रहा हूं और फैक्स फिगर्स के साथ मैं करूँगा ये सब झूठ है और झूठ मैं ऐसे नहीं कह रहा मुंह से मैं साबित करूंगा उस प्रोग्राम में कि ये झूठ है मेरा कल वाला एक सवाल जो है ना उसका जवाब अब तक नहीं दिया हुकूमत के किसी इदारे ने नब्बे लाख लाख फेक अकाउंट्स हैं। फउंटाम आपने उनमें से सिर्फ उनती अनवर मजीद के ढूंढे हैं और उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं क्या ये अनवर मजीद को टारगेट नहीं कर रहे आप और क्या इस मुल्क की सुप्रीम कोर्ट और इस मुल्क की हाई कोर्ट ये नहीं देख रहे हैं कि एक आदमी को या दो आदमी को दूसरे शायद आसिफ दरदारी है उनको टारगेट क्यों कर रहे हैं कल हमारे प्रोग्राम में जो हमने नहीं दिखाया वो अकील करीम डेडी का एक बयान है जिसमें वो ये कहते हैं कि मुल्क में पांच ट्रिलियन पांच फाइव ट्रिलियन रुपया इस तरह से मौजूद है जो या ब्लैक इकोनॉमी में है यानी इन फेक अकाउंट में है या जो घरों में पड़ा है देखें ये हुकूमत ने फैसला करना है अनवर मजीद अगर चला जाएगा एक जेल ये छह महीने हो गए एक एफ आई आर की थी एफ आई ए ने अभी तक तो ये पर्चा दिया उसका चलान पेश नहीं कर सके तो क्या कर रहे हैं ये अनवर मजीद शहरी तो है ना हाँ, अनवर मजीद का भी वही हक है जो दूसरे शहरियों का खान हमारे पास इस प्रोग्राम का वक्त अब खत्म हुआ चा...